इज़ द ट्राइबल इंटीग्रेशन, ठीक है, हमारा मेजर पार्ट है रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री एंड कंसॉलिडेशन. तो लैंग्वेज पहले हमने पढ़ा, हाउ प्रिंसली स्टेट्स वर इंटीग्रेटेड, देन हाउ स्टेट्स वर फॉर्म्ड, ठीक है. फिर हमने पढ़ा कि लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज ट्राइबल कंसॉलिडेशन और ट्राइबल इंटीग्रेशन. 1971 की पॉपुलेशन अभी हम यूज़ करते हैं. इन दैट अराउंड 400 शेड्यूल ट्राइब्स हैव बीन लिस्टेड ऑर्गेनाइज. प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई बिकॉज ट्राइबल एरियाज इन आर कंट्री दे हैव देयर ओन डिमांड्स एंड दे डेवलप, दे हैव देयर ओन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट. उनको उनके तरीके से डेवलप होना पड़ेगा क्योंकि उनका कल्चरल सेटअप डिफरेंट है, उनका सोशल सेटअप डिफरेंट है ना. कोई मेल डोमिनेटेड ट्राइब है, कोई मैट्रियार्कल ट्राइब है. एंड फॉर देम वी हैव अ स्पेशल यू नो आर्टिकल 46. व्हाट आर्टिकल 46 इज? हाँ, इसके लिए बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ. सर वो मैटरनिटी के रिलेटेड होगा. 46 में? हाँ सर. सोचो, मुझे नहीं, मैं पॉलिटी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए तो पूछा मैंने. इट इज रिलेटेड टू ट्राइबल, यू नो, यस, सप्रेस्ड क्लास ऑफ द ट्राइब्स, यस, सप्रेस्ड और डिप्रेस्ड क्लास और ट्राइबल्स के लिए वहाँ पे वी हैव फॉर देयर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट. वी हैव इन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव स्पेशल प्रोविजन्स फॉर ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस. अब एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ. कश्मीर को स्पेशल राइट्स मिले थे तो पूरे हिंदुस्तान को प्रॉब्लम थी. सेम रिस्ट्रिक्शंस ट्राइबल एरिया में भी हैं. कहीं पे राइट टू प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, राइट टू यू नो राइट टू मूवमेंट एप्लीकेबल नहीं है, कहीं पे कुछ है, फ्री ट्रैवल, एवरीथिंग, मेनी थिंग्स आर कर्टेल्ड व्हेन इट कम्स टू स्पेशल ट्राइबल एरियाज. व्हाट इज द डिफरेंस? ट्राइबल एरिया में भी रिस्ट्रिक्शन है, जैसा कश्मीर में है, राइट टू प्रॉपर्टी और ये और वो, फ्री मूवमेंट कश्मीर में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ट्राइबल एरिया में नहीं है. लाइक अंडमान हो तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जरावास का जो है. क्या नहीं, तो वही कह रहा हूँ ना, वहाँ पे आके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. सेम टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस विच वर इम्पोज ऑन कश्मीर ब्रॉडली. आई मीन बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात कर. व्हाट इज द डिफरेंस? क्या बात कर रहे हैं? गो टू नॉर्थ ईस्ट, वो अलग चीज है, न्यूज में नहीं आता. बट इफ यू टॉक अबाउट इंसर्जेंसी, गो टू नॉर्थ ईस्ट. व्हाट इज बोडो, नागा, मिजो, मणिपुर, क्या चल रहा है? What he said is correct. The restrictions on tribal areas is basically with a positive connotation to preserve the ethnicity, the culture, the social practices of a particular community. In Kashmir, it is not such. It was having more of a political motive rather than a. So that's why you know, कई बार आता है ना कि वो अभी देखना, जैसे कश्मीर का जब आया था, social media बहुत चल रहा था. क्यों नागालैंड में ऐसा है और मणिपुर में ऐसा है और मिजोरम में ऐसा है, वहाँ नहीं बोल, क्योंकि वो हमारा एक पॉजिटिव इंटेंट है ना कि हमें वहाँ पे उस कल्चर को, उस ट्राइब को, उनके उनकी एथनिसिटी को प्रोटेक्ट करना है. कश्मीर में मोर इट वाज अ पॉलिटिकल यू नो इंटेंट. फाइन, that's why that has been bifurcated into Ladakh and Kashmir based on their cultural identity. Now they now possible ki wo Kashmiris aur Ladakh ke logo ke liye alag kuch provisions aa sakte hain agar unke cultural preservation ki baat hai. Ladakh ke liye ho sakta aaye na.
What were the shortcomings of Nehru's time period? So, ये इसी सीरीज में आप मैं नोट्स दे दूंगा, उसमें मिजोरम का इंटीग्रेशन है, मणिपुर सबसे पहले, मणिपुर जो है वो पहले महाराजा ऑफ मणिपुर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं लेकिन कंप्लीट मर्जर नहीं होता है, बाद में वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, असेंबली बनती है, असेंबली में डिमांड होती है कि देयर शुड बी कंप्लीट मर्जर। कांग्रेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो मर्जर की बात करते हैं लेकिन जो नॉन कांग्रेस वाले होते हैं मणिपुर को मर्जर की बात नहीं करते। एनी हाउ जो सेंट्रल लीडरशिप ऑफ कांग्रेस होती है वो मणिपुर के महाराजा को कन्विंस कर लेती है कि आप एब्सोल्यूट मर्जर कर दो। वो लोगों से बिना पूछे, बिना ना तो उन्होंने असेंबली से पूछा ना लोगों से पूछा, अपने आप ही वो मर्जर एग्रीमेंट साइन करते हैं। मणिपुर बिकम, इसलिए मणिपुर में भी अनरेस्ट है, उनको लगता है उनके साथ धोखा हुआ है, वहाँ के लोगों को लगता है कि हमसे पूछा ही नहीं गया कि हमें कहाँ जाना है, महाराजा ने खुद वो मर्जर एग्रीमेंट साइन किया एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। यही मीज़ो के साथ था क्योंकि मीज़ो जो है मिजोरम वाज अ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इन आसाम, और जब ऑफिशियल लैंग्वेज जब फर्स्ट 14 लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में इंक्लूड हुई थी उसमें असमीज थी, इनकी लैंग्वेजेस नहीं थी, तो इनको क्या लगा कि ये ऐसा ना हो कि ये जो आसाम का जो एक कल्चर है वो हमारा जो छोटा सा कॉम्पोजिट कल्चर है उसको ओवरराइड करने लगे, उसे ओवरलैप करने लगे। दैट्स वाई देर वॉज एन अनरेस्ट, मीज़ो में भी था, नागा में भी था। नागा कॉर्ड साइन होता है, ठीक है, नागा मिजोरम जो है वो पहले ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट था आसाम का, फिर वो एक सेपरेट पहले यूटी बनता है फिर स्टेट बनता है। सो दिस होल नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग, इन 1962 ड्यूरिंग नेहरूज टाइम पीरियड वी हैड अ वॉर विद चाइना, ठीक, दिस विल आई एम जस्ट गिविंग यू सम हिंट्स, विल डिस्कस दिस टुमारो, दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेहरू ने पंचशील पैक्ट की बात की, वी हैड गुड रिलेशंस विद चाइना, बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच ए न्यूट्रल नॉन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एंड ऑल्सो नेहरू ट्राइड टू एक्सटेंड यू नो अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप विद चाइना, वाई वी हैड अ वॉर इन स्पाइट ऑफ अ पॉजिटिव इंटेंट फॉरेन पॉलिसी। इवन व्हेन इट केम टू द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, नेहरू सेड गिव इट टू चाइना, इट वॉज ऑफर टू अस, वी सेड नो चाइना। इन स्पाइट ऑफ दैट वाई वी हैड अ वॉर, इसको कल हम आप लोगों के लिए एक तरीके से ये होमवर्क सॉर्ट ऑफ है, पढ़ना, कुछ कंटेंट पढ़ना ढूंढना, समझ में आएगा, कल हम उस पर डिस्कस करेंगे। नाउ वी कम टू शॉर्टकमिंग्स, और इफ यू ट्राई टू व्हाट टाइम क्रिटिसिज्म ऑफ नेहरू, और व्हाट वर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ नेहरूज एरा, ड्रॉबैक्स कह सकते हो, ठीक है, और नॉट एग्जैक्टली बट यस इट हाँ इवेंचुअली इट बिकेम, और नहीं जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं ना उनके थोड़ा उस पर नहीं, कई जगह क्रिटिसिज्म है, बिल्कुल है नेहरू का, नहीं करना नहीं पड़ेगा, बनता है, डेफिनेटली बनता है, ऐसी बात नहीं है। अगेन आई टोल्ड यू नो वन इज परफेक्ट, एवरी वन इज विथ सम सर्टेन शॉर्ट कमिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमने इतनी चीज पढ़ी, क्या इलेक्शन के अलावा कहीं पे पीपल्स पार्टिसिपेशन नजर आया? दिस वॉज वन थिंग, देर वॉज नो यू नो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एक्सेप्ट इलेक्शंस, उसके अलावा हमें कहीं एक जो एक लार्जर मासेस का पार्टिसिपेशन है वो नज़र नहीं आता। क्यों नहीं थी? आज आप देखिए, देखिए आई एम टेलिंग यू वन थिंग, टुडे वी टॉक अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, दैट इज ओनली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, व्हेन पीपल हैव रियलाइज। ऐसा नहीं था कि इससे पहले सफाई के अभियान नहीं चल रहे थे, चल रहे थे ना, बट वेन पीपल स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इट इट गॉट रिजल्ट। इट नॉट जस्ट अबाउट कास्टिंग योर वोट। दिल्ली में आप देखिए वो मोहल्ला क्लिनिक है, वो पीपल्स पार्टिसिपेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लोगों से पूछा गया ना। दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन में आप देखिए वहाँ पीपल्स पार्टिसिपेशन एजुकेशन में इंक्रीज गया, स्पेशली पेरेंट्स का,
सोशल ऑडिटिंग की आरटीआई में क्या है, सोशल ऑडिटिंग की तो बात हो रही है, क्यों वो इफेक्टिव हुआ? इट्स नॉट जस्ट अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेसी इज लिमिटेड टू कास्टिंग वोट, इट इज बियॉन्ड दैट, इट इज बियॉन्ड दैट. दैट इज वाई सीडीपी एंड पंचायती राज फेल्ड. वन ऑफ द मेजर रीजन दैट पीपल वर नॉट यू नो मेड अ स्टेक होल्डर. When citizens are made the stake, part of stakeholder, no? Then that program or that policy, you know, is implemented in a much better way. अभी रोड अच्छा क्यों बनता है, पहले बुरा क्यों, मतलब पहले इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती थी, कुछ नया आ गया क्या? नहीं, वही रोड रोलर है, वही पत्थर है, वही टारकोल डल रहा है, सब कुछ वही है ना. क्यों? अब लोग, अब पीपल्स पार्टिसिपेशन, अब पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू द गवर्नमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी अच्छी हो रही है, रेलवे साफ है, क्यों वहाँ लिखा हुआ है कि आपका गंदा हो तो आप SMS करो. पीपल्स पार्टिसिपेशन है ना ये, ट्वीट के जरिए आप रिस्पॉन्ड करो. क्यों? ओके, वी आर यूजिंग वेरियस मीन्स, बट अनलेस एंड अनटिल आप एजुकेशन में ले लीजिए, आप अगर देखेंगे जो सर्व शिक्षा अभियान है ना, उसके तहत जो प्रोविजंस हैं उसमें एक SMC है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जहाँ स्कूल के जो उस स्कूल जिस एरिया में है वहाँ के जो लोग हैं उनका एक कमेटी बनेगी जो स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रही है. सो देयर अगेन आई एम सेइंग इन दैट टाइम पीरियड अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग वोट देयर वाज लीस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बिकॉज दैट वाज नॉट मोटिवेटेड. अनदर थिंग, no one talked about education. Have you talked about education yet? No. This is another criticism that aapne sab cheez pe dhyan diya, aap higher education ke liye IIT IIM to khol rahe the, lekin literacy aati kahan se? Literacy improve kahan se hoti hai? Jab tak aap elementary education nahi denge, primary level pe aap education ko strengthen nahi karenge, aap aage nahi badh payenge. Is cheez ke bare mein koi baat nahi hai. Isi wajah se sir people participation mein kasi literacy, दोनों चीज़ें हैं. दिस इज नॉट, दिस गो हैंड इन हैंड. यस यस, गुड, शी गेव एन आर्ग्यूमेंट. नेशनल मूवमेंट के टाइम पे भी तो पीपल्स पार्टिसिपेशन था, द लिटरेसी लेवल वॉज ब्रॉडर मोर और लेस सेम. एजुकेशन, प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज ब्रॉडली अनटच्ड. वो हमारी आदत है, वो हम एज अ कंट्री ना, हमारी आदत है आधा करके. 1857 का रिवोल्ट क्या सिखाता था? यही तो सिखा रहा है कि हमारी प्लानिंग पूरी नहीं थी. व्हाट टू डू नेक्स्ट? तो हम लार्जर पॉपुलेशन ने बोला अब आज़ाद हो गया, अब ये देख लेंगे. वो एक स्लो डाउन था, एक सोशल स्लो डाउन था. और लैंड रिफॉर्म्स फेल कर गए, लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुए, पंचायती राज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, सॉरी CDP प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ा कि ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल नेक्सस जो था, हम जो हमने इनिशियली बात की थी कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को या सिविल सर्विसेज को हम वो एक कैरेक्टर नहीं दे पाए, हम सिविल सर्विसेज को वो कैरेक्टर नहीं दे पाए जो द सेंस ऑफ सर्व, द सेंस टू सर्व, दैट यू आर अ सर्वेंट ऑफ द पीपल. हम वो एक 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 उनकी इस माइंडसेट को नहीं बदल पाए, वहाँ तक नहीं ले पाए. दिस वॉज अ फेलियर एंड बिकॉज ऑफ दैट द करप्शन रोज हैविली. ऑलवेज रिमेंबर द मेजर पार्ट ऑफ करप्शन इज बिकॉज ऑफ द whenever there is a bureaucratic and political nexus, corruption will rise, definitely. One more thing, आपने कास्टिज्म से लड़ने के लिए स्टेप्स उठाए, अनटचेबिलिटी एंड ऑल दैट, बट देर वॉज नो कॉन्क्रीट स्टेप्स अ पॉलिसी दैट कुड काउंटर कॉम्यूनलिज्म. कुछ ऐसा स्टेप नहीं लिया. कॉम्यूनलिज्म पीक पे था, नो डाउट. अभी देश का बंटवारा हुआ है, सब कुछ है, कॉम्यूनलिज्म पीक पे था, बट देन ऑल्सो नो सच स्टेप्स वर टेकन. और यू कैन कम अप विथ मोर, यू कैन कम अप विथ मोर शॉर्ट कमिंग्स. आप एक बार और एक रीडिंग लेंगे अगर, यू विल फाइंड कैन कम अप विथ मोर. ब्रॉडर यही था. देन अब थोड़ा सा ना पॉलिटिकल कहानियाँ चलेंगी. नेहरू डाइड इन 1964.
ठीक, नेहरू डाइड एंड ऑल ऑफ अ सडन अ वैक्यूम वॉज क्रिएटेड विद इन द कांग्रेस पार्टी. लेकिन तब कांग्रेस पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा फेमस सिंडिकेट चलता था. सिर्फ सिंडिकेट के हेड थे के कामराज, हाँ वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन फिर भी वो एक कार्टल सॉर्ट ऑफ चलाते थे. के कामराज, एस के पाटिल, नीलम संजीव रेड्डी, ये सब मिलके कि ये किंग मेकर का वो जो वो ड्यूप्ले करता था वो ये कर रहे थे यहाँ बैठे हुए. फाइन, अब हुआ क्या, सवाल उठा कि अब नेहरू जी तो चले गए, अब कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कौन बनेगा प्रधानमंत्री. पहला क्लेम किया मुरारजी देसाई ने, बट मुरारजी देसाई इन हिमसेल्फ वॉज समवट ऑफ अ रेडिकल आइडियोलॉजी पर्सन इन कांग्रेस. द सिंडिकेट कामराज एंड टीम थॉट कि अगर हम एक ऐसे इंसान को जिसकी थोड़ी सी राइट विंग आइडियोलॉजी है, जिसकी थोड़ी सी यू नो रेडिकल आइडियोलॉजी, अगर ऐसे बंदे को हम प्रमोट करेंगे देन यू नो पीपल विल लूज ट्रस्ट इन अस. 7 दिन बाद दे केम अप विद अ पर्सन एंड हिज नेम वॉज लाल बहादुर शास्त्री. वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ गुलजारी लाल नंदा थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे. वो फुल, आप कभी भी याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन कभी भी खाली नहीं है, नॉट इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट. लाइक जैसे 2014 में मनमोहन सिंह डिफीटेड, ही रिजाइंड ऑन 16th ऑफ मे. Then president requested him that till the new government is formed, you will please act as a caretaker prime minister. So whenever you know such decisions are being taken, the always the post like Mrs. Gandhi, when she was assassinated, she died in the morning only. But official declaration kab aaya? Rajiv Gandhi ke sworn in ke baad. Pehle kya aaya? That keeping her health in mind, new cabinet is being dissolved and new prime minister is sworn in. उसके बाद डिक्लेरेशन हुआ दैट मिसेस गांधी इज नो मोर, बिकॉज दैट इज वॉट, जैसे पार्लियामेंट में राज्यसभा का कैरेक्टर ऐसा रखा गया है कि दैट इवन इफ लोकसभा इज नॉट इन सेशन, राज्यसभा एग्जिस्ट एंड इट कैन परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. ऑलवेज रिमेंबर, पार्लियामेंट नेवर डिजॉल्व्स. राज्यसभा की कंटिन्यूटी मेंटेन की हुई है ना, क्यों, ताकि पार्लियामेंट हमेशा रहे. बिकॉज इफ सच थिंग विल हैपन दैट यू नो एक्सपोजेज यू टू इंटरनेशनल वल्नरेबिलिटी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, भले वो केयरटेकर हो. सो गुलजारी लाल नंदा, यू आर करेक्ट, फॉर 7 days ही वॉज देयर, बट द फुल फ्लेश प्राइम मिनिस्टर विद अ कैबिनेट, बिकॉज एज प्राइम मिनिस्टर डाइज कैबिनेट डिजॉल्व्स, एज प्राइम मिनिस्टर डाइज कैबिनेट डिजॉल्व्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व्स. सो अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज फॉर्म अंडर लाल बहादुर शास्त्री. अब जैसे ही शास्त्री जी आते हैं, कुछ चीज़ें उनका वेलकम करती हैं. क्या, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, वो जो हमने 66 का तक हम चले गए थे ना, वहाँ प्रॉब्लम चल रहा था. 65 गोवा मर्जर पहले पढ़ लिया, लेकिन वो उनके टाइम पे चल रहा था. अनफॉर्चुनेटली 1965 में देर वॉज अ सीवियर फूड क्राइसिस एंड ड्रॉट बोथ. और हमेशा याद रखना, इस देश में सरकार की स्टेबिलिटी बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. सूखा पड़ा नहीं कि सरकार अनस्टेबल होती है. 1965, नो. पाकिस्तान के साथ हुआ क्या, चाइना वॉर हुआ, वो हम कल डिस्कस करेंगे ना, विल कम अप विथ समथिंग. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, चाइना वॉर हुआ, जैसे ही वेस्ट का इंटरफेरेंस आया, चाइना ने कुछ नहीं किया, ना कोई लैंड लिया ना कुछ, वो वापस जहाँ थे वहाँ चले गए. लेकिन इसके बाद चाइना ने क्या शुरू किया, पाकिस्तान को वेपन्स सप्लाई करना. पाकिस्तान को 65 तक नए वेपन्स मिल गए. वो तो ना बच्चे के पास नया खिलौना आ जाए तो वो ज़्यादा मतलब लगता है ना यूज़ करना है. उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने जो उनके नए वेपन्स थे, उन्होंने रन ऑफ कच्छ में टेस्ट करना शुरू कर दिए. व्हाट वी कॉल एज अ टीज़र वॉर, मतलब बस कुछ नहीं, बस बेवजह परेशान करने वाली चीज़, व्हाट दे कॉल एज अ टीज़र वॉर, तो उन्होंने वो शुरू किया. अमेरिका को लगा कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग, तो हमारे पास हम फूड सेल्फ सफिशेंट कंट्री नहीं थे. हम पहले गेहूँ चावल बाहर से मंगवाते थे, अमेरिका से आता था गेहूँ, अमेरिका ने भी फूड सप्लाई रोक दी. अब देखो पाकिस्तान के साथ वॉर की कंडीशन है, सूखा पड़ गया, फूड क्राइसिस है, और जो वो फूड भेज रहे थे उन्होंने भी यू नो
बंद कर दिया. बट शास्त्री सेट कोई बात नहीं, बिकॉज हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्रोग्राम था इट वॉज अंडरगोइंग. उनको लगा कि नहीं, कुछ एक साल में रिजल्ट आ जाएगा, हम किसी तरह सस्टेन कर लेंगे. एट द सेम टाइम US स्टार्टेड बॉम्बिंग वियतनाम. हर्ड ऑफ द वियतनाम वॉर? वो उसी टाइम पे चल रहा था. US ने वियतनाम में इंटरफेरेंस शुरू कर दिया, वहाँ पे बॉम्बिंग शुरू कर दी. शास्त्री जी केम अप विद अ स्ट्रांग इंटेंट एंड ही ओपनली क्रिटिसाइज्ड US ऑन वियतनाम बॉम्बिंग को. एक तरफ हमें कह रहे हो कि वॉर मत करना और हमारा फूड सप्लाई रोक रहे हो, और खुद वहाँ जाके वियतनाम में बॉम्बिंग कर रहे हो. व्हाट इज दिस? तो उन्होंने US को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. और इसी बीच क्या हो गया, 1965 वॉर. एक और चीज़ जो शास्त्री जी ने की, जो लेटर ऑन बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट निकल के आया इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, इट वॉज द PMO. प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का जो आइडिया था वो शास्त्री जी का था. नेहरू के टाइम पे कोई PMO नहीं होता था. एंड PMO विल बिकम सो इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी दैट इट विल बी अ पैरल कैबिनेट. इंदिरा गांधी के टाइम आते आते वो बहुत स्ट्रांग होगा. तो ये PMO जो आया ना, जो आज के टाइम पे भी बहुत क्रिटिकल माना जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PMO में होता है एंड देयर इज अ सेट ऑफ एडवाइजर्स हु आर सेटिंग. सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है, ये शास्त्री जी का था. सो US और चाइना से नए वेपन्स मिलने के बाद पाकिस्तान तो उछल रहा था. एक्चुअली उनकी स्ट्रैटेजी ही होती US की, कि पहले वो एक पार्टी को हथियार देंगे, फिर वो दूसरा वाला आएगा, बोले हमारे पास नहीं है, हमें भी दे दो, तो उनको बेचेंगे. तो ये उनकी वेपन्स सेल करने की स्ट्रैटेजी है, वेपन सेल करने की आइडियोलॉजी है. और पाकिस्तान को ये लगा कि ये अभी अभी चाइना वॉर से निकले हैं. नेहरू वॉज अ स्ट्रांग लीडर, शास्त्री को अंडरस्टिमेट किया. उन्होंने कहा कि इन पर अटैक कर दो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, बिकॉज वो POK में तो बैठे ही थे. और उन्हें ये भी पता था कि हम श्रीनगर को टच करके लौटें 47 में, तो हम वहाँ तक तो जा सकते हैं. दे वर वेरी मच यू नो इंटेंट. तो उन्होंने अटैक किया. चाइना वॉज अबाउट टू इंटरफेयर. लेकिन गुड थिंग वॉज दैट सोवियत यूनियन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे. जिस वजह से क्या हुआ, चाइना इंटरवीन करना चाह रहा था लेकिन सोवियत यूनियन ने उसे रोक दिया. वेस्ट का इंटरफेरेंस होता है अगेन एंड बोथ द टीम्स गो बैक टू देयर एंड ब्रॉडली द वॉर वॉज इनकंक्लूसिव. जो 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर है, इट इज़ ब्रॉडली फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल ग्राउंड, इट वॉज ब्रॉडली इनकंक्लूसिव. दोनों क्लेम करते हैं हम जीत गए, ऐसा नहीं है. मतलब एक और, लेकिन यहाँ पे शास्त्री जी ने बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया. उन्होंने बोला अब LOC क्रॉस करो और मारो, विच वॉज नॉट अलाउड इन 1999 कारगिल. कारगिल में इट वॉज वेरी मच क्लियर दैट यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस द LOC. शास्त्री सेड नो, घुसो और मारो, तभी ये समझेंगे. एंड दैट इज़ वाई वेस्ट इंटरव्यू, क्योंकि पाकिस्तान को जब बैकफुट पैन लगा तो वेस्ट इंटरवीन. एंड ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि द वॉर वॉज इनकंक्लूसिव. और चाइना इंटरवीन करना चाह रहा था, चाइना को लग रहा कि दिस इज़ द गुड टाइम टू इंटरवीन इंडिया को बैकफुट पे लेने के लिए. रशिया ने, सोवियत यूनियन ने मना किया और बोले हम मीडिएशन कराते हैं. एंड देन मीडिएशन वॉज ब्रॉट एट ताशकंद. जनरल अयूब खान जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, वो और शास्त्री जी मिलते हैं ताशकंद में. ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है वापस, जिसकी जो पोस्ट वोस्ट की जो भी था वो. लेकिन उस रात ना, दैट इज़ द बिगे अनदर मिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री. यस, शास्त्री जी डाइड ऑफिशियली ड्यू टू हार्ट अटैक. बट एज इन कुलदीप नय्यर्स बियॉन्ड द लाइन देर इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. क्योंकि जब शास्त्री जी की डेड बॉडी इंडिया लाई गई, इट वॉज ऑल ब्लू विच इज़ अ सिंबल ऑफ पॉइजन. दैट नाइट उनका कुक, जनरली द प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स जनरली अपने कुक साथ में लेके जाते हैं अनलेस इट इज़ एन ऑफिशियल डिनर. इवन राष्ट्रपति भवन जहाँ भी होगा उनका वो ऑफिशियल कुक, मोदी जी का भी है, उनका भी कुक उनका साथ रहता है. तो उनके कुक उनके साथ उस रात नहीं थे. भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज देयर एज अ सेक्रेटरी एस्कोर्टेड इन कुलदीप नय्यर. तो वो, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे इस तरीके का कोई सरेंडर हो, इस तरीके का कोई एग्रीमेंट हो. तो ऑब्वियसली अब यार देखो, हम इमरान खान को गाली देते हैं तो पाकिस्तान वाले मोदी जी को दे ही रहे होंगे.
मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ना आप, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है उसमें कोई. तो आई एम फॉरगेटिंग द सेक्रेटरी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, दे वर ऑल इन द सेम होटल इन ताशकंद, और आई एम कोटिंग फ्रॉम द बुक. तो वो आते हैं और वो कहते हैं दैट इडियट डाइड, जुल्फिकार अली भुट्टो सेड विच वन, बिकॉज ही वॉज रेफरिंग टू हिज ओन प्रेसिडेंट ऑल्सो, ही सेड विच वन, उन्होंने दो हैं वहाँ पे, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट दिस ताशकंद एग्रीमेंट भुट्टो. खैर वो दैट्स अ डिफरेंट. इंडिया पाक देखो जैसे हमेशा से होता आया, एवरी वॉर इज फॉलोड बाय ट्रीटी, एवरी दिस इज व्हाट इज द कन्वेंशन. आपने हिस्ट्री में जहाँ पढ़ा है प्लासी, सॉरी बक्सर, बक्सर फॉलोड बाय ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, देन इफ यू सी द कर्नाटक वॉर्स, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, देन एक्सला शैपल, देन ट्रीटी ऑफ पैरिस, देन वैंडी वॉर. तो एवरी वॉर, एवरी जैसे अभी 71 का वॉर होगा उसका शिमला एग्रीमेंट आ जाएगा, फिर वो 1990 कारगिल वॉर के बाद आगरा समिट, मुशर्रफ आगरा. तो ये एक पैटर्न है दुनिया में, कहीं भी वॉर होता है, चाहे आप ट्रीटी ऑफ वर्साय ले लो, आप ट्रीटी ऑफ पेरिस ले लो, जहाँ भी वॉर होगा एवरी वॉर विल बी फॉलोड बाय ट्रीटी और एन एग्रीमेंट. 65 का वॉर था, हुआ क्या था, कुछ हमारी पोस्ट उनके पास चली गई थी, कुछ उनकी पोस्ट हमने ले ली थी, तो ये मीडिएशन और कि फर्दर इस तरीके का कुछ तमाशा ना हो, क्योंकि अब वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज. Why Soviet Union intervened? Because world is a global village. उनको लग रहा था ये इतनी बड़ी population, अगर population की country अगर war ridden है तो economic interest west का हिल रहा था, ठीक है. और क्योंकि cold war चल रहा था और पाकिस्तान को war arms supply किए थे किसने, US और China ने, तो रशिया को लगा कि Soviet Union को लगा हम intervene नहीं करेंगे तो हम कहें ऐसा ना हो कि पाकिस्तान या इंडिया एक strategic position बन जाए USSR को काउंटर करने के लिए. तो दैट्स वाई दे इंटरवीन्ड. सो शास्त्री जी डाइड, अब सवाल उठा अब कौन प्राइम मिनिस्टर. फिर आए गुलजारी लाल नंदा, वो बेचारे बैठे रहे, कभी वो फुल फ्लेश प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो हमेशा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने. और जैसे ही ऐसा कुछ होता था तो हमारा जो द ओल्ड सिंडिकेट जो है कांग्रेस का वो एक्टिवेट हो जाता था. अब कौन आएगा, तो कामराज फिर एक्टिवेट हो गए एंड देन दे नॉमिनेटेड द डॉटर इंदिरा गांधी, देन दे नॉमिनेटेड द एंड देन स्टार्ट्स द ह्यूज द बिग इंदिरा गांधी एरा, जिसको आप एक क्लास में पढ़ ही नहीं सकते. अब यहाँ से देखो, मैंने पहले कहा था कि हम हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो पार्ट है हम उसको पॉलिटिकल यू नो एंगल से नहीं देखेंगे, लेकिन अब इतना ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल होने वाला है ना 1967 से 1977 तक, अगले 10 साल बहुत हैवी पॉलिटिकल टर्मोइल है कंट्री के अंदर. तो आप वहाँ पे किसी भी चीज़ को, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, कुछ भी हो, आप उसे पॉलिटिक्स से हटा के नहीं देख सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा होगा. इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, जैसे ही मिसेस गांधी बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर वही हर प्राइम मिनिस्टर को कोई ना कोई प्रॉब्लम वेलकम कर रही होती है. सेम हैपेंड विद मिसेस गांधी, शी वॉज वेलकम अगेन. वो पंजाब वाला प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुआ था ठीक से, यू नो वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट सूखा फिर पड़ गया, क्या कर सकते हैं, रेंज फील्ड और इन्फ्लेशन वॉज गैलोपिंग, बहुत एक्यूट इन्फ्लेशन था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, आई बिलीव यू ऑल नो, नो नीड टू गो फॉर दैट. अब देखो महंगाई भी है, सूखा भी पड़ गया, वो PL 480 प्रोग्राम जो चल रहा था जिसके तहत हमारे पास अनाज आ रहा था, वो भी यू नो इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो वेरी मच, वो भी उतना वो नहीं था. ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज यस. इन सब के बीच यू नो शी हैड, शी वॉज अ यंग लेडी, यू नो क्या हुआ. अब वो देखने वाले की नज़र है यार, क्या कर सकते हैं. And everyone has his or her own definition of beautiful. अब प्रॉब्लम क्या हुई, इन्फ्लेशन जो है 1966 तक आके गैलोपिंग इन्फ्लेशन बन गया, इट वॉज हॉपिंग. इंदिरा गांधी took a very bold step and that was devaluation of currency in 1966. Devaluation of Indian currency by 35%. Step क्या लिया,
What is devaluation of currency? There are four terms: evaluation, devaluation, appreciation, and depreciation. Kya difference hai? Okay. Evaluation and devaluation are done purposely. Evaluation means increasing the value, devaluation means decreasing the value. And what is appreciation, depreciation? It depends on demand and supply. Yes. Whenever there's a fluctuation in foreign exchange, is because of demand and supply of that particular currency against anyone, we call that depreciation or appreciation. हमने devaluation किया, इंदिरा गांधी ने आके devaluation किया. ये devaluation का purpose क्या था, क्या motive था? करेंसी का. हम वही पढ़ रहे हैं. क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, क्या मोटिव होता है डिवैल्यूएशन का? हाँ, उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट. अच्छा, चलो, एक्सपोर्ट बढ़ेगा या इंपोर्ट बढ़ेगा, क्या प्रमोट होगा, वही तो पूछ रहा हूँ. यस यस, एक्सपोर्ट प्रमोट होता, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमने ऐसा डिवैल्यूएशन किया. एक्चुअली डिवैल्यूएशन करा तो अमेरिका के कहने पे था, बट वो उनको आइडिया था नहीं कि अमेरिका ने वो रिस्पॉन्ड दिया नहीं, फॉरेन से हमें वो रिस्पॉन्स मिला नहीं कि हम डिवैल्यूएशन करें और हमें एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था इंडियन करेंसी को, वो नहीं मिला. इंदिरा गांधी ने बोला ये जो US है ना, वियतनाम पे गलत बॉम्बिंग कर रहा है. शी ऑल्सो ओपनली क्रिटिसाइज अमेरिका ऑन वियतनाम. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, शी वॉज यंग, शी वॉज मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए शी वॉज यंग, और बहुत सीनियर लीडर्स थे, ऐसे लीडर्स थे हु वर फ्रेंड ऑफ अ फादर, एंड देवर एंड शी देर वॉज लीस्ट कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट, देर वॉज नो लीस्ट कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट. और हुआ क्या, इसी दौरान 1967 में इलेक्शंस डिक्लेयर हो जाते हैं, 52 51 52, देन 57, देन 62, एंड देन इन 67 अगेन इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड, एंड कांग्रेस जीतती है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उस हिसाब की मेजॉरिटी नहीं आती जो पिछले इलेक्शन में आई थी. इवन कामराज एंड एसके पाटिल लॉस्ट देयर सीट्स. तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अब टर्मोइल में आती है. इवन ये आलम हो गया कि कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन 8 स्टेट्स, विच वॉज अ न्यू फिनोमेना इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी. 67 से लेकर 70 के बीच बिहार में 7 बार गवर्नमेंट बदली, 3 साल के अंदर 7 बार गवर्नमेंट बदली. सो क्योंकि तब एंटी डिफेक्शन लॉ तो था नहीं, जिसकी जिसको जिधर प्रॉफिट मिलता था वो उधर चले जाता था. इन दिस, क्योंकि कामराज और एसके पाटिल हार गए, इंदिरा गांधी वॉज नो, उनको मुरारजी देसाई को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा. फिनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो मुरारजी देसाई के पास थी. इसी दौरान होता क्या है, सिंडिकेट को लगता है कि इंदिरा वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, इंदिरा गांधी वॉज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, एंड शी केम अप विद अ 10-पॉइंट प्रोग्राम. वो बाद में आएगा. अभी 10-पॉइंट प्रोग्राम में दैट्स ओवरऑल डेवलपमेंट अबाउट सोशल सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेसिकली वो थे, मोस्टली टारगेटेड ऑन वुमेन एंड रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो 69 आते आते होता है, इंदिरा गांधी वॉज बिकमिंग पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग, और सिंडिकेट को लगा दैट शी विल ओवरराइड कांग्रेस, शी विल ओवरटेक एवरीथिंग. तो सिंडिकेट प्रोग्राम बनाता है इंदिरा गांधी को हटाने का. लेकिन अब वो होता है ना, वो किस्मत कुछ और थी. हुआ ये 1969 प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइट, ये इधर प्लॉटिंग कर रहे थे किसकी, मिसेस गांधी को हटाने की कांग्रेस से. और इस दौरान क्या होता है, जाकिर हुसैन साहब चले जाते हैं. तो सिंडिकेट ऑब्वियसली नीलम संजीव रेड्डी को अपना कैंडिडेट बनाती है कांग्रेस, किस चीज़ के लिए, प्रेसिडेंट के लिए.
मिसेस गांधी को ये पता चलता है कि मुरारजी देसाई और ये सब प्लॉटिंग कर रहे हैं, इमीडिएटली वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो मुरारजी देसाई से छीनती हैं। और 1969 में ही होता है दो चीज़ें, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, दैट वाज अ ह्यूज स्टेप, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज, और अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, बड़ा स्टेप था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करके द एम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज कि हमें हम लोगों को इंक्लूसिव बैंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ें, और दूसरा फ्रॉम अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स, वो जो प्रिंसेस को तब प्रॉमिस किया था आज़ादी के टाइम कि हम आपको पेंशन देंगे, बोले ख़त्म, कोई पेंशन वेंशन नहीं, सब बराबर है, सब इक्वल सिटीजन्स हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन इंदिरा बिकेम मोर पॉपुलर। हुआ क्या, इंदिरा गांधी ने प्रमोट किया वाइस प्रेसिडेंट वी वी गिरी को कि आप कंटेस्ट करो। ही वॉज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, टेक्निकली शी वॉज फाइलिंग अ कैंडिडेट अगेंस्ट द सिंडिकेट, हर ओन पार्टी। पार्लियामेंट, देखो पार्लियामेंट जब इलेक्शन होता है तो इट इज द लीडर ऑफ द हाउस हु हैज़ टू इशू द व्हिप। व्हाट इज व्हिप? कंपल्शन होता है कि जब वो प्रेजेंस, और वो कोई व्हिप इशू ही नहीं हुई। द व्हिप वॉज नॉट इशूड एंड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी, वी वी गिरी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट वॉज अ ह्यूज डिफीट टू द सिंडिकेट, द ओल्ड यू नो स्टालवर्ट्स। इमीडिएटली इंदिरा गांधी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, और एक्सपेल्ड होते ही कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर वॉज द इंदिरा गांधी वाला एंड कांग्रेस ओ वॉज द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये दो कांग्रेस का स्प्लिट होता है, सूरत स्प्लिट, फिर 1969 का स्प्लिट। पहले ऐसा नहीं था कि पार्टी से निकाल दिया तो वो प्राइम मिनिस्टर बनी नहीं। और 1969 में एक और चीज़ लेके आती है, MRTP एक्ट। क्या होता है भाई MRTP एक्ट? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसी दौरान 24th अमेंडमेंट आता है। व्हाट वर द मेन यू नो प्रोविजंस ऑफ 24th अमेंडमेंट? या देखो 24, 25, 42, 71, 73rd, ये आर क्रूशली, यू शुड रिमेंबर इट ऑन फिंगर टिप्स। 24th अमेंडमेंट, एनीवन? अभी पॉलिटी में आया नहीं है क्या 24th अमेंडमेंट? हाँ, खैर 24th अमेंडमेंट बेसिकली इट वाज अबाउट यू नो अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की अभी डॉक्ट्रिन नहीं आई थी। आई विल टेल यू, नहीं चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, कोई इशू नहीं। So when this 24th amendment was questioned by Supreme Court, देखो एक फ़र्क आया यहाँ पर, एक और चीज़ हमें शायद रखना। आप देखोगे कि पहले फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल आता है जो कि जिसमें आइटम्स वो होते हैं जो विच आर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब आप देखोगे कि धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस बढ़ने लगेगा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस बढ़ने लगेगा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, कि वो क्वेश्चन करने लगेंगे ये क्यों किया भाई, 25th पे फिर आएगा, 25th पे फिर क्वेश्चन करेंगे 25th अमेंडमेंट पे, क्यों पहले नहीं किया, पहले तो वो जुडिशियल रिव्यू ही नहीं करने दिया, उस पर भी उन्होंने सवाल नहीं उठाए, लेकिन अब वो सवाल करने लगेंगे क्यों। 70s 75 तक आते आते देर विल बी ह्यूज क्वेश्चनिंग ऑन पार्लियामेंट, टसल चलेगा, एक्चुअली टसल चलेगा अभी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में। अरे अभी कहाँ चल रहा है, अभी तो कहाँ कोई टसल है। बिल्कुल है,
तब ज़्यादा था, लेकिन अर्ली 20 ईयर्स में नहीं था। हाँ, क्या ऐसा हुआ? नहीं, इंदिरा गांधी के होने से क्या होता है? उस समय तो डिक्टेटर ऐसा कुछ नहीं। देखो रीजन, पहले जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो लोग थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने नेशन बिल्डिंग में रियल कंट्रीब्यूशन किया था, और ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता था कि इनका जो इंटरेस्ट है, इनके लिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट मैटर नहीं करता है, फॉर देम नेशनल इंटरेस्ट इज अबव ऑल। लेकिन 20 साल के बाद जो पार्लियामेंटेरियंस आने लगे वो दोज हु वर पॉलिटिकली ग्रूम्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, हु वर पॉलिटिकली ग्रूम्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड देयर समवेयर देयर वॉज एन ओवरलैपिंग, और रादर वी कैन से द पॉलिटिकल इंटरेस्ट वर डोमिनेटिंग आफ्टर 60s। शास्त्री जी के बाद एक एरा आता है, वो मतलब जाकिर हुसैन साहब चले गए और सब कुछ हुआ। तो अब जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, अब जो पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, उनके लिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तब तक तो कुछ नहीं बोला जब तक फ्रीडम फाइटर्स पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। लेकिन अब एक जो नया जनरेशन आया वो खेल खेलने लगा, उनको लगा इन्होंने तब कुछ नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट अब भी कुछ नहीं बोलेगा, और सुप्रीम कोर्ट अब हर बार बोलेगा। दिस इज द डिफरेंस, दिस ट्रांजिशन फ्रॉम ऑफ पार्लियामेंटेरियन वॉज द रीजन दे आर द रिस्पेक्टेड, कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने इस देश को बनाने में दे हैव गिवन देयर ब्लड एंड स्वेट टू दिस कंट्री। उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पेक्ट किया, लेकिन धीरे धीरे अब तो देखो, अब हर चीज़ पे एनजैक आया, बोले जुडिशल उस पे आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर पे आ गया, बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो दिस इज हैपनिंग मोर एंड मोर, दैट इज़ वाई जुडिशल एक्टिविज्म इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। कमिंग बैक, वो अभी दैट विल बी लेटर ऑन, अभी वो 1971 में आएगा, एमरजेंसी के टाइम आएगा। इंदिरा गांधी को लगता है कि सिचुएशंस आर नॉट क्लियर, उनका 24th अमेंडमेंट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन होता है, एंड इमीडिएटली शी डिसॉल्व्स द लोकसभा एंड डिक्लेयर्स न्यू इलेक्शन। जैसे ही फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, होता क्या है, ये जो सिंडिकेट है, ये कांग्रेस ओ जो था, ये जनता पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी और सारे छोटे मोटे पार्टी मिलके ग्रैंड अलायंस बनाते हैं, और 71 के इलेक्शन में एक नारा आता है, इंदिरा हटाओ, एक पॉलिटिकल स्लोगन, इलेक्शन स्लोगन क्या आता है, इंदिरा हटाओ, और इंदिरा आती है किस नारे के साथ, गरीबी हटाओ, एंड दैट वर्क लाइक एनीथिंग। गरीबी हटाओ वॉज एन इलेक्शन स्लोगन 1971 के इलेक्शन में, और रिजल्ट एज यू नो, ग्रैंड अलायंस वॉज हैवीली डिफीटेड, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया सर्वाइव भी नहीं कर पाते, एंड एवरीवन वाज चार्म्ड बाय दिस गरीबी हटाओ स्लोगन, लेकिन जैसे ही फिर वही प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है तो एक प्रॉब्लम हेलो बोल रही होती है। क्या हुआ? वी आर टॉकिंग अबाउट 1971, लेट इट बी देयर। लेकिन अब जैसे इंदिरा गांधी 1971 में प्राइम मिनिस्टर बनती है, एक नई प्रॉब्लम होती है। होता क्या है, पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, और बंगाल आवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, वो अपना इलेक्शन स्वीप करते हैं, शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं। इधर याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और उन्हें मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनने से दे पुट हर्डल्स, और वहाँ पे एट्रोसिटीज़ बंगाल के अंदर शुरू हो जाती, ईस्ट पाकिस्तान में। ये सारे लोग वहाँ से निकलते हैं, मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है, सारे लोग निकलते हैं और कलकत्ता के अंदर एग्जाइल, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना लेते हैं, मुक्ति वाहिनी एंड ऑल। जब लीडर्स निकलने लगे तो लोग भी निकलने लगे, एंड इंडिया सफर्ड अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। अब यार देखो, कोई आएगा आपके यहाँ तो आपके यहाँ खाना तो कम से कम खाएगा, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप मना भी नहीं कर सकते, आप भगा भी नहीं सकते, भगा भी नहीं रहे, वो जाने को तो ये नहीं बोल रहे, मार दो, हम अंदर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहा है। पाकिस्तान ने ये प्रिटेंड किया दैट इंडिया इज़ इंटरफियरिंग, द
इंटरनल, इट इज़ द इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया शुड नॉट इंटरफेयर, जो अभी हम कह रहे हैं कश्मीर में मत बोलो। लेकिन अब इतना ज़्यादा रेफ्यूजी प्रॉब्लम, क्योंकि आपके इकोनॉमिक बैलेंस इतने अच्छे हालात तो थे नहीं हमारे, 10 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजी अंदर आ गया और उनको फीड खाएंगे तो आप ही के यहाँ से खरीद के ना, उनको दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू होने लगी। इस बीच एक चीज़ अच्छी हुई, 1971 में USSR के साथ हमने एक 20-year फ्रेंडली पैक्ट साइन किया कि अगले 20 साल तक हम म्यूचुअल कोऑपरेशन पे चलेंगे और अगर आप दोनों में से किसी पे भी अटैक होता है तो वो म्यूचुअल अटैक माना जाएगा, कि अगर रशिया पे सोवियत यूनियन पे अटैक हुआ तो वो इंडिया पे अटैक माना जाएगा एंड सो ऑन। पाकिस्तान को लगता है कि सिचुएशन आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, उनको तो वो क्या करते हैं, वेस्टर्न फ्रंट खोल देते हैं ताकि इंडिया अपना सारा कंसंट्रेशन जो है वो वेस्टर्न फ्रंट पे ले आए और हम वहाँ पे अपना कर लें। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट ओपन करता है, 1971 वॉर शुरू होता है। इंडिया फॉट वेल, वेरी वेल, क्योंकि उधर ईस्ट बंगाल में भले ही इंटरन बॉर्डर्स पे इंडियन आर्मी लड़ रही थी लेकिन अंदर मुक्ति वाहिनी को भी हम सपोर्ट कर रहे थे हम, और इसी दौरान हम बांग्लादेश को रिकग्निशन भी देते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 16 दिसंबर 1971 को द फेमस सरेंडर, 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स सरेंडर्ड एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट सरेंडर, मिलिट्री सरेंडर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। होता क्या है, एक्चुअली पाकिस्तान सीक्स हेल्प फ्रॉम US, US का 7th फ्लीट जो इंडियन ओशन में था वो मूव करने लगता है, हमारा फ्रेंडली फ्रेंडशिप पैक्ट काम आ जाता है रशिया के साथ, और सोवियत यूनियन कहता है अमेरिका से बोले पीछे हट जाओ वरना वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, एंड अमेरिका न्यू दैट रशिया विल आउट नंबर देम इन वेपन्स, क्योंकि रशिया की इकनॉमी आज भी उसी पे चल रही है, वो वेपन्स बेच बेच के ही अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, उनके पास इतना था। तो अमेरिका को समझ में आया कि बेवजह चीज़ों को बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, एंड दैट इज़ वेयर इंदिरा गांधी इज़ डिप्लोमेसी इज़ अप्रिशिएटेड। She could have started a world war, but it was Russia's intervention, that really worked. And how diplomatically, और उस दौर में अमेरिका को आँख दिखाना मतलब, क्योंकि अमेरिका डोमिनेट कर रहा था इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका को पीछे भेजा एंड बाय मार्च 1972 बांग्लादेश एज अ न्यू स्टेट, आई गेस 16th March 1972 बांग्लादेश एज अ न्यू कंट्री वॉज फॉर्म्ड। एंड इंडिया वेस्टर्न फ्रंट में तो वो बॉर्डर फिल्म चल जाती है ना, हाँ दैट इज़ द स्टोरी ऑफ दैट टाइम पीरियड ओनली। उसके बाद फिर अ वॉर इज़ फॉलोड बाय एन ट्रीटी, अ वॉर इज़ फॉलोड बाय एन एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट 1972। सो 1971 वॉर, लाइक 65 वॉर, देन ताशकंद, देन 71 वॉर, शिमला एग्रीमेंट। यार एक अच्छा सवाल है, एंड देयर सर्टेन लीगैलिटीज, देयर आर सर्टेन लीगैलिटीज, ट्रीटीज पहले होती थी फिर एग्रीमेंट होता था, क्योंकि वो फिर रेटिफिकेशन होता है उसका, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेटिफिकेशन होता है एग्रीमेंट का, एंड एग्रीमेंट इज लाइक एडमिसिबल इन कोर्ट, बिकॉज जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट, आप इवन आप सेल एग्रीमेंट करते हो, अब ट्रीटीज़ नहीं होती हैं, अब एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। आई विल टेल यू दिस लीगल डिटेल टुमारो, फाइन। क्या हुआ क्या बता दो, 11 बजे से मैं भी कुछ हंस लूँ। चलो कोई बात नहीं। सो 1972 शिमला एग्रीमेंट, और जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनके साथ एग्रीमेंट होता है। 1972 में एक और चीज़ होती है, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल फील्ड्स, नेशनलाइजेशन ऑफ कोल फील्ड्स। पहले कोल जो थी अंग्रेज़ों के पास थी, फिर वो टाटा बिरला के पास चले गई, लेकिन अब यहाँ से इन लोगों ने छीन लिया और नेशनलाइज कर दी। और एक और चीज़, जनरल इंश्योरेंस एंड जनरल जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसका भी नेशनलाइजेशन होता है, तो बैंकिंग, कोल फील्ड्स, इन सब का धीरे धीरे नेशनलाइजेशन शुरू होता है।
अब एक बार सिचुएशन को फिर से 1972 में एक और प्रॉब्लम हो जाती, फिर बारिश नहीं होती, मानसून फेल्ड, तो रेफ्यूजी प्रॉब्लम था, बांग्लादेश वाला इशू, वॉर कर लिया था, रेफ्यूजी प्रॉब्लम था, मानसून नहीं था, और इसी दौरान एक सोशलिस्ट मूवमेंट पनप रहा था हिंदुस्तान के अंदर, पॉपुलरली नोन एज द जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण का, ये पनप रहा था, ये कुछ नया हो रहा था देश में। '73 में एक और प्रॉब्लम हुई, इंटरनेशनल क्राइसिस हुआ, ऑयल प्राइसेस ऑल ऑफ अ सडन दे शूट अप, और वो करीब 4 से 5 गुना हो गए थे, तो ऑयल क्राइसिस हुआ, वॉर हो गया, रेफ्यूजी हो गया, और एक सोशलिस्ट मूवमेंट बिहार और गुजरात के अंदर, ये मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पनप रहा था, पॉपुलरली नोन एज जेपी मूवमेंट। ये जितने सोशलिस्ट लीडर्स हैं, मुलायम यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब जेपी मूवमेंट के निकले हुए, ये वहाँ से उनको लीडरशिप मिलती है। और जयप्रकाश नारायण, क्योंकि उनका कहना था कि इन्होंने कहा था गरीबी हटाओ और गरीबी नहीं हटी। इसी दौरान 74 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, दैट इज यस पोखरण 1 ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। अब इस दौरान क्या होता है, हम आते हैं जून 1975 में, अलाहाबाद हाईकोर्ट। नाउ सी हियर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी वॉज। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट एक जजमेंट देता है इन अ केस राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी, and declared that the elections were rigged and Mrs. Gandhi has used malpractices to win the election, hence her candidature was declared. जी अब देखो कितनी conditions हो गई, economy unstable है, foreign oil prices है, गरीबी हटाओ का काम नहीं चला, after that what happened is ये जेपी मूवमेंट अपने आप एक पनप रहा था, गुजरात में, बिहार में, यूपी में छोटे छोटे पॉकेट्स में रिवोल्ट हो रहे थे, और इन सब के बीच पता चलता है कि कैंडिडेचर इज डिक्लेयर्ड, यू नो, एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस व्हेन हर कैंडिडेचर वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि ये तब जो इमरजेंसी प्रोविजन्स थे वो कहते थे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, तब जो प्रोविजंस थे वो कहते थे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और इसी के बेसिस, इसी तो जो ये जेपी मूवमेंट के जो चल रहे थे ना, छोटे 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 रिवोल्ट गुजरात में हुआ, वो संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे, इन्हीं को ग्राउंड्स बना के एमरजेंसी वाज इम्पोज 25th June 1975. And now the era of Sanjay Gandhi starts unofficially. he was dangerous. Sanjay Gandhi was dangerous. वो आप उस हद तक सोच ही नहीं सकते, वो he was politically so brutal, so blunt. किसी को कुछ गिना ही नहीं उसने, उसने अपनी माँ को नहीं गिना, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर की तो वैल्यू रखता नहीं था। He was called a super PM. And this was the time when जितने ये जेपी मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी नॉन कांग्रेसी लीडर्स थे सब अरेस्ट कर लिए गए, इवन कुछ कांग्रेस के लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए, सारी स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड कर दी गई, सारी पावर जो है वो सेंटर के हाथ में आ गई, यू नो व्हाट हैपेंस, फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड, है ना, 21 शायद रहता है सिर्फ, 357 में सिर्फ, एवरी पॉसिबल एट्रॉसिटी, फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज कंट्रोल्ड, ऑल द जर्नलिस्ट वर प्रेस पे बैन लग गया था, मेजॉरिटी जो बड़े जर्नलिस्ट थे जो इंडिपेंडेंट थे, जो देखो पहले जर्नलिज्म जो है ना वो प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट नहीं होता था, पहले जर्नलिज्म सिर्फ जर्नलिज्म होता था, अब होने लगा है कि एंटी गवर्नमेंट जर्नलिज्म है, ये न्यूज़ चैनल एंटी गवर्नमेंट चल रहा है, ये न्यूज़ चैनल प्रो गवर्नमेंट चल रहा है, लेकिन पहले जर्नलिज्म के आइडियल डेफिनेशन में ये एंटी और प्रो का कोई कंसेप्ट ही नहीं था,
It was all journalism. Whatever is happening, they will report. Or रामनाथ गोयनका जो इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ कही थी अपने जर्नलिस्ट को. एक बार एक जर्नलिस्ट को ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने अप्रेजल दिया एंड ही सेड नो द ज्वेल फॉर अ जर्नलिस्ट इज़ व्हेन ही इज क्रिटिसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. अगर आपको किसी ने जर्नलिस्ट जिसकी जिसने जर्नलिस्ट की तारीफ कर दी, मतलब कुछ और कहानी है. इफ़ यू आर पनिश्ड, यू आर क्रिटिसाइज्ड, यू आर डिसलाइक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स, देन यू आर डूइंग द राइट जर्नलिज्म. Because that is what, तो प्रेस पूरी तरीके से यू नो हर चीज़ हर पॉसिबल अट्रॉस सिविल लिबर्टी जो थी वो जा चुकी थी. ये इमरजेंसी चलती है 18 महीने और इसी दौरान 1976 में पहले क्या आया था 10-point प्रोग्राम, अब आता है 20-सूत्रीय कार्यक्रम या जिसे हम प्रॉपरली कहते हैं 20-point प्रोग्राम. और इन्होंने अपने इलैबोरेटेड टारगेट सेटअप किए, एजुकेशन, हेल्थ, है ना. लेकिन ये चलने वाला नहीं था. एमरजेंसी का रीज़न ये था ना, इंदिरा गांधी पावर से जा रही थी. दैट इज़ वेर शी इज़ बीइंग ट्रीटेड एज अ डिक्टेटर. दिस इज़ द पॉइंट. दैट वाज ओवरराइड. 1976 में फिर क्या आएगा, 42nd अमेंडमेंट. और 42nd अमेंडमेंट में सब कुछ बदल जाएगा. पूरा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसे. 42nd अमेंडमेंट में सब कुछ बदल जाएगा. लेकिन 18 महीने चलता है और समझ में आता है कि ये देश बगैर डेमोक्रेसी के नहीं चल सकता. आप लोगों को किस हद तक सप्रेस करोगे? प्रेस नहीं, अपोजिशन नहीं, सारे लीडर्स अरेस्टेड. जनता पार्टी जो बनी थी टेक्निकली जेल में बनी थी. मतलब ये जितने लीडर्स थे सब एक साथ जेल में थे. इट वॉज फॉर्म देयर. इंदिरा गांधी वॉज श्योर दैट शी वॉज गोइंग टू लूज इलेक्शंस. बट देन ऑल्सो, क्योंकि अब ये एक या तो उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया था या संजय गांधी वॉज एट बट संजय गांधी वॉज एडमेंट कि 3-4 साल और चलाते हैं. एंड शी वॉन्टेड टू एक्चुअली ओवर राइड हर सन. वो ज़्यादा पावर गेन कर रहा था. तो आफ्टर 18 months इन जनवरी 1977 इलेक्शंस वर अनाउंस्ड एंड इन मार्च इलेक्शंस वर हेल्ड. एंड इन इलेक्शंस कांग्रेस लॉस्ट लाइक एनीथिंग. And not like the way they did in past two elections, but yes, more or less the same manner. Indira Gandhi and Sanjay Gandhi both lost their seats. Amethi Rae Bareilly, dono chale gaye. Or a new non-Congress government was formed for the first time in the history. A non-Congress government came into existence, and Morarji Desai finally. वो तो नेहरू जी मरे थे तब से कोशिश कर रहे थे Prime Minister बनने की. Finally, in 1977. Morarji Desai became Prime Minister. Now, my question is, what we have learned or what are the lessons learned, what we have, you know, extracted out of emergency? Kya seekh mili? Emergency se kya seekha? बता दिया वो एक जो कॉटरी जिसे हम कहते हैं. और दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो इमरजेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा वॉज देयर एंड देट वॉज फोर्स स्टलाइजेशन. ये एक बहुत बड़ा एक वो चला हुई ये एक वजह थी हारने की. अभी भी गवर्नमेंट कह रही ना पॉपुलेशन पे लॉ लेके आएंगे. आई डाउट सब ले आए. अच्छी बात है, एवरी लॉ इज़ रिस्पेक्टेड इक्वली. बट वेन एवर द पॉपुलेशन पार्ट इज टच ना, वो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है. दिस इज़ द पॉलिटिकल ट्रेंड ऑफ दिस कंट्री. खैर, लेट देम ब्रिंग दैट्स दे आर द गवर्नमेंट, दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इट्स देयर राइट.
First thing first, yes, we understood the importance of democracy, and we understood the importance of a strong opposition, an independent opposition in democracy. Second thing, बहुत बड़ा चेंज आएगा कि वो इंटरनल रिबेलियन बदल के आर्म्ड डिस्टर्बेंस होगा, सॉरी इंटरनल डिस्टर्बेंस जो लिखा हुआ था वो चेंज होकर आर्म्ड रिबेलियन बनेगा, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशनल. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन लर्नड फ्रॉम एमरजेंसी वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज. आपके फंडामेंटल राइट्स की वो होता है ना कभी कभी कि आपको अपनी खुद की कहीं अहमियत दिखानी हो तो कई बार पीछे हट के कि हमारी कमी देखो फिर पता चलेगा हम क्या थे, तो वो वहाँ रियलाइज़ हुआ. पहले फंडामेंटल राइट्स को हम ऐसे ही लेते थे होंगे, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज इन अ डेमोक्रेसी. यस, नहीं तो पहले हमें उसका एहसास नहीं था ना कि ये जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं इनका इनका क्या इम्पोर्टेंस है. वो इमरजेंसी के बाद रियलाइज हुआ कि व्हाट इज दिस व्हाट आर दीज सिविल लिबर्टीज ऑल अबाउट. एंड वन मोर थिंग दैट आर एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोन टू पॉलिटिकल प्रेशर, दिस वॉज एक्सपोज्ड. ये पहले दिख नहीं रहा था, जो हम बोल रहे थे ना कि एडमिनिस्ट्रेशन को या सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर पाए, हम उनकी एक आइडियोलॉजी नहीं चेंज कर पाए, एंड दैट रिजल्टेड इन अ पॉलिटिकल नेक्सस. ये यहाँ एक्सपोज हुआ क्योंकि बहुत से ऐसे ऑफिशियल्स थे, बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्हें जो करना चाहिए था आइडियली या कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीज़ नहीं कर पाए. फाइन, खैर 1977 के इलेक्शंस हुए, इंदिरा गांधी वॉज कांग्रेस वॉज वाइप्ड आउट फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन, लेकिन साउथ में दे परफॉर्म्ड वेल. उसकी दो वजह थी एक्चुअली. रेजिस्टेंस जो ये सोशलिस्ट मूवमेंट का चल रहा था, जेपी मूवमेंट का, वो नॉर्दर्न रीजन में चल रहा था, इसलिए एट्रोसिटीज़ वहाँ ज़्यादा थी. दूसरा ये क्योंकि साउथ में जब इतना इमरजेंसी का इम्पैक्ट नहीं था तो जो 20 पॉइंट प्रोग्राम 76 में आया वो एक साल में ब्यूरोक्रेसी के थ्रू उन्होंने साउथ में अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया, तो वहाँ दे वर क्वाइट पॉपुलर. बट व्हेन इट केम्स टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, शायद 2 या 3 सीट्स आई थी कांग्रेस की नॉर्दर्न इंडिया में. तो एक नई जनता गवर्नमेंट बनती है हेडेड बाय मोरारजी देसाई, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक तो वो क्या कहते हैं उसे, कौन सा कमीशन था, जस्ट Yes, there was a commission, Shah Commission, that was appointed. Shah Commission was appointed to review the whatever the actions that has been taken during an emergency, and based on that, 44th Amendment was 44th Amendment 1978. 44th Constitutional Amendment 1978 was introduced in, and that was 76 42nd 44 is 78. Fine, that was, and all whatever the decisions that were taken were completely overridden in 44th Amendment. कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बचा रखी थी, जैसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 74-1 that there shall be a council of minister to aid and advise the president, the council of minister headed by prime minister to aid and advise the president, who shall work in accordance with सच एड एंड एडवाइस. वो पहले वो शायद एक चीज़ याद रखना बहुत ध्यान से, हर क्लास में कहता हूँ जब ये वाली बात जहन में आ जाती है, शैल मस्ट मे इस तरीके के जब वर्ड्स आ जाए ना अपना दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव कर लेना, गड़बड़ वहीं पे, क्वेश्चन वहीं पे, पॉलिटिकल क्वेश्चन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट पढ़ते हो ना वो वहीं पे क्वेश्चन है, शैल मस्ट मे नॉट, जहाँ इस तरीके के वर्ड दिखने लगे एक्टिव हो जाना, वहीं मिलेगा कुछ ना कुछ मटेरियल, वहीं है, ऑलवेज रिमेंबर, वहीं से क्वेश्चन उठता है. आप क्वेश्चन देखोगे यूपीएससी के ना, एनालाइज करोगे तो वहीं कहीं से निकल के आते हैं. खैर, मोरारजी देसाई जो हैं वो 18 महीने करीब प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, उसके 4 महीने चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर रहते हैं. बट क्योंकि देखो कोएलिशन पॉलिटिक्स का एरा आता है, कोएलिशन पॉलिटिक्स में होता क्या है कि
again, there are wasted political interest. There are wasted political interest. And har kisi ko apna, everyone needs his own piece of pie. Hai na? Aur jab wo chahiye, wo nation, wo stability government mein nahi aa paati coalition politics mein, jiski wajah se pehle Morarji Desai gaye, phir Chaudhary Charan Singh, aur phir 1980 mein, again, this they only lasted this, the first non-Congress government lasted only for 22 months. And again, in January 1980, elections were announced. Indira Gandhi bounced back. और ये लोगों को समझ में आ गया, बोले यार इनके बगैर, इनको इनके अलावा सरकार चलाते नहीं आती किसी को, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आ रही थी ना. फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया था जनता गवर्नमेंट ने, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, इतना इफेक्टिव नहीं हुआ. एंड अगेन इन 1980 इंदिरा गांधी अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. आई विल स्टॉप हियर, ठीक है, क्योंकि अब इंदिरा, राजीव एंड देन नेक्स्ट हम कल करेंगे. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यस यस. हाउ हाउ इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग टेकन? किस चीज को? कि देखो, पहली चीज, पहला आपका पार्ट है दैट इट इज अ डार्क फेज इन डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस. दैट्स ट्रू, बिकॉज ऑफ ऑल योर सिविल लिबर्टीज, ऑल योर फंडामेंटल राइट्स वर, अरे बैठे रहो भाई, रुक जाओ, ऑल योर फंडामेंटल राइट्स वर टेकन, ठीक है. और डेमोक्रेसी में when we say we the people, हमने शुरू कहाँ से किया, we the people ना, and when there is no people, definitely there will, that will be a dark phase in democracy. Apart from that, second part, what you asked, that why they were unable, and we said that the government was, the non-Congress government was unable to sustain. The reason I told you, because that Congress was a one-party government. For the first time, a non-Congress coalition government came. जहाँ हर किसी, देखो जब मिठाई बढ़ रही है तो हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए, वहां भी यही हो रहा था. चार पांच पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी, जनसंघ, सब पता नहीं कितने चार पांच मिलके उन्होंने गवर्नमेंट बनाई. और जब उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, अके नहीं टोल्ड यू ना, पहले क्या था, अब हम आजादी को 30 साल हो गए, 77 आजादी को 30 साल हो गए. अब एक नई जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस आए हु नो, हु वॉज मोर इंटरेस्टेड इन, वेस्टेड इन पॉलिटिकल इंटरेस्ट. जैसे वो देखी गैंग्स ऑफ वसेपुर, देखी, तो अब वो रामाधीर सिंह जो पहले बाहुबली हुआ करते थे, अब वो विधायक हो गए. अब वो जो बाहुबली यदि विधायक होगा, तो वो देश को पहले सोचेगा कि खुद को पहले सोचेगा? सी, अब वो एक, वो यू नो जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस आई. इस वजह से 77 में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद भी वो 22 महीने ज़्यादा नहीं चल पाई. वजह ये थी क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा था, कि देश को इमरजेंसी के जख्मों से उभारने से पहले उनको अपनी सूझ रही थी. दैट वॉज द पार्ट, एंड देयर, दैट इज़ वेयर पीपल रियलाइज कि यार ये तो कुछ और ही कर रहा है, बेटर तो वही थी. कोई तो रीज़न होगा ना दैट इंदिरा गांधी बाउंस बैक विद इन टू ईयर्स, थ्री ईयर्स शी वॉज बैक.